सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलदीप सिंह पोड़े। असी तानू लगातार हरियाणा के संभू बार्डर तो लाइव सवेर का दिखा रहे हैं। इत्थे पहला माहौल काफ़ी तनावपूर्ण भी रहा। सवेरे के टाइम हरियाणा पुलिस ने जिहड़े बैरीकेडिंग की गई सी, पर किसानों के जोश अगे जिहड़े हरियाणा पुलिस के प्रबंध फिक्के पै गए, उन्होंने उत्थों भज्जना पै गया। हरियाणा पुलिस इत्थों हुण जा चुकी आ, दिल्ली वल नूं किसान कूच चक कर चुके ने। किसानों के काफले लगातार जा रहे ने साडे नाल। किसान ने काफ़ी जिहड़े पहुंचे ने बॉर्डर तो खेमकरन तो, आपां गलबात करदे उहनां नाल की कहना चाहुंदे ने। खेती कानूनां दे खिलाफ दिल्ली जाणगे, उत्थे कूच करनगे ते मोदी सरकार नूं घेरनगे, की कहना चाहुंदे? दिल्ली जा रहे हो? वेखो जी, हकां लई तुरे आ ते हक लै के रहांगे। उहदा सबूत आ साडे बहादुर किसान, जिहड़ा मोदी दा मतलब हैगा वा बंदा इत्थे खट्टड़, उहदे मुताबक ही चलदा वा। तो उन्हें कहा कि मैं पंजाब जिहड़े आपदे हरियाणे विच वड़ नहीं देने, पर साडे पंजाब दे बहादुर किसानां ने अज एक पंजाब दा दुबारा इतिहास आपदा रीन्यू किया वा। सो किसान दिल्ली नूं कूच किए आ, ते इह पंजाबियां पंजाबी आपदा हक लैण लई तुरे, हक लैके तुरना। असीं अपनी पंजाब बार्डर किसान वैलफेयर सोसायटी वल्लों जिहड़े 6 जिले आ बार्डर दे, फाजिलका तों इलाके ते पठानकोट तक, वो साडे जिहड़े बंदे पहुंचे, असीं खेमकर तों आए हां, सिर्फ जिहड़े 5-4 पिंडां दे वो आए हां। तो इतों हम असी भी गांह जो शंभू इतने ब्रेक करके असी भी जरा दिल्ली रवाना हो जाना वा। तो मोदी तो जड़िया ने मंगा मना के तुरने, क्योंकि मोदी के मन के भुलेखा से कि मैं जोड़ा GST, क्योंकि वह सरकार का स्टेट का काम से, मैं GST बिल पास कर ले, मैं 370 धाड़ा तोड़ती, पर इन भुल गया कि वह बहादुर किसान आ जोड़े दुनिया से राज करते करते जब पंजाब चाहिए उन्होंने मूँह की खानी पी। असी सरदार हरी सिंह नलुए के वास्ता, असी शहीद भगत सिंह के वारस हाँ जिन्हां ने देश नूं आज़ादी दवाई। ठीक है, साडियां गंदियां सियासतां ने पंजाबी ये 2% गिंदे आ, पर साडियां कुरबानियां 96%। ये कैड़ी सरकार आ कि असीं इत्थों इंसाफ लवांगे? पंजाबियों ने जद भी अपना राज लिया, आपदे हक लै दिल्ली तो छित्र ना लै। वेखो जिस नूं असीं वोटां पाईआं ने, 25,000 सरदार जसवंत सिंह खालड़ा ने लाशां की शिनाख्त की, लवारस साड़ियां, उहनां लई कोई कानून नहीं, ते किड्डी हैरानगी दी गल आ, पराली साड़न लई कानून बन गया, उन्होंने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। एक शर्म आँदी गल कर लग्या कि जिस बंदे दा असीं मैं तारों पार आए हाँ, मेरी मान लो 5 किले जमीन आ, तो 7 लाख नूं तां पैली भी कहिंदी आ, 25-30 लाख की वो पैली हो गई आ, तो 1 करोड़ रुपया बंदा कित्थों दूगा? सो इहदे माड़ियां नीतियां सी, पर हुण इहनूं पता लग गया वा। हुणे मैनूं किसी का फोन आया कि खट्टर भी ट्वीट करन दिया वा कि मैं MSP जे टुट गई मैं सियासत छड्ड दूँ। छड्ड दे, असीं तां तैनूं फेल कर ही दित्ता वा, तेरी हिक ते पैर रख के सिंह दिल्ली नूं रवाना हो गए जी। बोले क्यों नहीं सुन रही दिल्ली सरकार? क्यों नहीं सुन रही दिल्ली सरकार? लगातार 2 महीने का संघर्ष हो गया, पंजाब दे विच उठे अंदोलन पूरे भारत में फैल चुके, हालांकि पर फिर भी नहीं सुन रही सरकार। वेखो जी, डेमोक्रेसी का कहान आ, जद असी जिहड़े साडे बने आ, पार्लीमेंट बनी आ, राज्यसभा बनिया ने, उहदे विच जद गल्लां हुंदियां ने वो बैठ के विरोधी धिर दी, विरोधी धिर क्यों बनाया गया? जे नहीं सुनी फिर विरोधी धिर बनते ही ना। विरोधी धिर तो बिना उत्थे कुछ बंदे बह के बिल पास किए जाते, ठीक है, बहुमत आ गई, बहुमत का यह मतलब नहीं है कि तुसी लोकतंत्र का घाण कर दो, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चला रहा। अज हर एक वर्ग को पता लग गया वा, किसान चला रहा अबानी तो अडानी, अबानी तो अडानी जो कहिंदे आ, सिर्फ इहदा है कि सलूट मारदा जस इहदे तो कोई, जे उहना कहे तो नहीं करना इहने नहीं करना, जे उहना कह दिता वा कि तू आ काम करना इन्हें करना ही करना, ये कानून लैके आया वा। एक मैनू समझ नहीं आती कि कहिंदा कि हक दे विच, ये सारे ही जिहड़े बिजनेसमैनां दे वड्डियां दे हक दे विच कानून जी। तुसीं अंबानी अडानी की गल की, तुहानूं लगदा नहीं जिहड़ियां सरकारां ने भी अपने पंजाब दीआं ने पहल दित्ती, तां करके कारपोरेट घराने जिहड़े पंजाब दे विच दाखल होए ने, तां करके उन्हां नूं खुल मिली पूरी? वेखो जी, जे किते साडे विच इह ना गल होवे, अज शायद पंजाबियां दा सारे वड्डे बने राज हुंदा। साडे सियासियां दा कहाण आ, इह कीता किहने सी? अंबानी अडानी वाड़े किन्ने आ? वाड़े जिहड़े पंथक कहिंदे आ, ते जिहड़े साडियां सरकारां दा दो ही आ, तीजी आई है, चलो कनैक्शन उहदा भी दिल्ली दे विच, अज सबूत पता लग ही गया वा, ते उह विरोधी धिर चाही आ, कांग्रेस अकाली आ, वाड़े तां इहनां ने ही आ, असीं आ, साडा किसान आ, उहदा 3 लाख रुपया करजा, उहनूं चिट्ठियां कढ़ी जांदे, उह विचारा डरदा, हरासमेंट हो के उह विचारा फाह लै लैंदा वा, ते इहनां दे करोड़ां रुपये इहनां दे स्टाम छड्डे जांदे आ, करोड़ों रुपये इन्हें छड़े जाते, मतलब इन्हें कर्जे माफ़ किए जाते। साड़ी स्टेट ने वाड़िया, साड़ी नलायक जी लीडरशिप का बेड़ा गर्क होया वा, उन्होंने वाड़िया, जे कि ना वाड़ते इतने आँदा ही ना। हुण अज गल करन दे ने, अज हर धरने संत महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह की गल चलती, संतां ने मंगया की सी?
संतां ने आनंदपुर साहब का मता मंगया सी ना पंजाब दे साडे तो पानी इन्हां खोले अज साडे कोल पानी हुंदा असीं पंजाब अपना 500 500 700 700 फुट चढ़ गए हाँ मोटर साढ़िया 7.5 अं मतलब 17 दी मोटर से आ गए हाँ जे साडा नहरी पानी हुंदा साडे कोल पानी साडा पानी खो के इन्हां ने हरियाणा राजस्थान नूं दे दित्ता ते पैसा कोई वसूल नहीं किया दसो जिंदी आ सानू हरियाणा वा हरियाणा सानू की देंदा कुछ राजस्थान है राजस्थान चो पत्थर आन दिया सानू पत्थर तो कुछ मिलता कुछ नहीं मिलता साडा पानी क्यों फ्री जा रहा पानी इन्ना खोया सी वो नलायक लीडरशिप करके पर जब साडी हुण अज किसानां दी इन्हां ने रीढ़ दी हड्डी नूं हत्थ पा लिया क्योंकि जो रीढ़ दी हड्डी टुटदी आ उदों किसानां दा जिहड़ा मतलब बंदा उठदा नहीं इस करके जे अज नहीं पंजाबी उठदे सी ते किसान दी रीढ़ दी हड्डी टुट जाणी सी पर नहीं किसानों ने मैं फिर गल दोबारा कहूँगा मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर दिया वा किसान आपके हक लैन लई तुरे आ ते आपका जिहड़ा इतिहास आ रीन्यू कर रीन्यू कर ली तो इस करके दिल्ली नूं कूच करनगे जी हुण इह खबर सामने आई है कि दिल्ली ते जिहड़ा बॉर्डर आ दिल्ली दा उत्थे VSF ला दित्ती गई आ पूरी मोर्चाबंदी की गई आ फोर्स दे वल्लों की लगता रोक सकणगे किसान देखो जी जिवें आपां हरियाणा वाला शंभू बॉर्डर किसान तोड़ के लंघे आ जे तुर पे मन च जज्बा होना तुरना चाहिए कोई राह नहीं मंजा राह नहीं डक सकदी साडा ते बाकी जिहड़ा अहीं तुरे आ अं जे मोदी सरकार ने 3 आर्डिनेंस किसान मारू जारी किए ना वो विरोध उन्होंने रद्द करवाने दिल्ली चले हाँ दिल्ली चले हाँ तो रद्द करवा के ही वापस मुड़ांगे हुण फॉर एग्जाम्पल जे मान लो सानू मोदी जी साढ़े एक धक्के थोपे ने इन्हें आर्डिनेंस जे मान लो साड़ी ढिड पीड़ हुंदी आ सानू सिर की दवाई देन दिया मंगण अं तो स्वामीनाथन दी रिपोर्टां देने भी उस हिसाब नाल साड़ी जिनस का मुल तय किया जाए उस पासे ते आउंदा नहीं तो अंबानी अडानी कारपोरेट घराणियां दी की कठपुतली बन के ये साढ़े तो अरमान है कि सानू हरासमेंट कर रहा किसान मतलब जिम्मे किसानी नू खत्म करने तुलिया भी कुछ कारपोरेट घराने ही इतने कब्जा कर चुकन जिमें अज तुम मनो मॉल क्यों खुले आ हर पिंड करियाने दूजिया दुकाना 8-10 दुकाना होंदिया ही इन्हें वो सारिया उन्होंने कारोबार बंद करके माल खुल गया अज तुम आप ही वेखो आप कोई चीज़ खरीदना चाहते आप मॉलों जाने जाने पहला आप सौदे अपने कस्बे घर के लागे पिंड दुकाना आप उन्होंने खरीदते हैं बस मान लो भी जे मान लो एक पिंड 100 10 दुकाना ने इन्हें 10 दुकाना बंद करके सिर्फ एक मॉल वाले देती ना वह किसानी का कर रहा तो अज किन्ने किसान आड़ती है मजदूर किन्ने खेती सैक्टर जुड़े ने उन्हें सारे का धंधा बंद करके ये सिर्फ अंबानी अडानी जो कारपोरेट घराने उन्होंने हैंडओवर करने की तैयारी आ जिसनों पंजाब का किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा बोले अज जा रहे हो दिल्ली नू किन्ने समय की तैयारी करके चलो जेकर मोर्चा लंबा चलना मिसे समय ली तैयारी करके दिल्ली च पहुँचन लगे हाँ असी उन्ना चिर तक वापस नहीं आवेंगे जिन्ना चिर तक ये रद्द नहीं हो जाते ये साडा इतिहास है शुरू तो लैके बोता हो तो गरजा सो किन्ने सी दो सिंह सी उन्होंने शहीदियां प्राप्त करके जित प्राप्त की हुण तां फौज ही बहुत आ नाले हक लई लड़ना मतलब किन्ने किसानां नाल जुड़े आ छोटा छोटा तबका दुकानदार किन्ने सारा इतों संसार चलता धुरा है जो धुरा ही खत्म हो गया तो कहानी मुक् जानी आपके हक ली तो सच ली लड़ाई लड़न चले हैं जो वह फिर वेखी जाऊ ये हम कुरबानियां जो देनिया पे देवे भी कोई गल नहीं सानू साडा इतिहास इन्होंने कुरबानियां देना तो मोदी की चीज़ आ मोदी उ ना जे साडे गुरु तेग बहादुर पातशाह जाके दिल्ली के शीश दे सकते तो असं उन्होंने सेवक ही हाँ उन्होंने बच्चे ही हाँ उन्होंने अनसबन से हाँ कोई एड्डी वड्डी कहानी नहीं कि मोदी समझ जाना चाहिए दो परिवारों के ढिड पालने नहीं चाहिए जो उन्हें पालने ही तो सारी समुची कौम समुचे जिन्ना कोई छोटा व्डा वर्ग आ समुचा का सारे का पालन करता जिमें गरीबी के उठा से सार चाहिए सी करनी इन्ना हो गया है ये वसदा रोग नहीं जो कुदरत करोप आ जाती फिर बंदा गलत फैसले लेंदा हूँ ये कुदरत करोप आ गलत फैसले ले रहा तो ले जाए अखीर तो काल होना ही है इत्थे वड्डे वड्डे ना रहे ये कि चीज़ आ ये तुरया जाता जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जित के मुड़ांगे मोर्चा दिल्ली केंद्र क्यों नहीं सुन रहा पंजाब की क्योंकि ज़्यादातर किसानी पंजाब दे विच है पंजाब ने पूरी दुनिया ते पूरे भारत का ढिड भरिया भुखमरी दे विच अज किसानां दी गल नहीं सुन रहे पंजाब की की हो रहा जी ये वेखो जी ये तो मोदी सरकार ही जानती है भी पंजाब के लोगों दी जो कुरबानियां खेती दे विच सब तो अहम रोल खे पंजाब का वो जे नहीं सुन रहा है तो वो ही जानता भी पंजाब दे नाल क्यों वितकरा कर रहा अड़ियाल रवैया जिहड़ा उन्हें तय किया होया इस अड़ियाल रवैये के विरुद्ध में जो ये 26-27 की सानू कॉल आई है 30 जथेबंदियों वालों जाने कि समुची 500 जथेबंदी वालों उसकी पालना करते हुए अं ये दिल्ली वाले जिहड़ा कूच किया पर लेकिन यह अड़ियाल रवैया जिहड़ा ये मोदी साहब छड्ड नहीं रहे एको किसानां दी गल आंदे आ ना भी कई बार जी मैं हुंदी पट्ठे दत्थे पाउंदियां भी
वो अड़ी वाला रवैया जरा वो तय कर लेंदी है तो वह दुध दिनों अड़ जाती है, पर उनका इलाज फिर की आनू पहला पट्ठे पुट्ठे पा के तो रीह भाड़ा भूड़ा भी पाया जाता तो वरचा के भी चोन की कोशिश करी दी है, पर फिर भी नहीं सुतर आँदी। फिर उनका एक इलाज करीदा उन्होंने चौं लत्तों जूड़ पा दीदा, चौं लत्तों जूड़ पा दे, फिर भी जो ना सुतर आए तो फिर एक खुरली बंदा खिलार दीदा जोड़ा अगों कन्न चाड़ दिता। ये सानू जो रवैया हूँ इस पास मोदी जी होनी सानू ना ही लाउन, साड़ी ये जी साड़ी हक सच की लड़ाई आ, असी इस वास्ते तुरे हाँ। बार्डर तो 300 किलोमीटर का पैंडा तय करके असी दिल्ली वाले जा रहे हैं, जिन्ना चर साडे हक ना मिले असी ये संघर्ष जारी रखना। साड़ी बेनती है भी अड़ी वाला रवैया छड़ के पंजाब के लोगों की आवाज़ मोदी जी नूं सुननी चाहिए है, क्योंकि अं कोई आपका हक मंग रहे हैं, किसी का नहीं मंग रहे। जिन्ना योगदान किसानों का मुड़ तो है वो तुसी जानते जी चंगी तरह। 70 साल हो गए लीडर के लारिया जो तुसी भी काफ़ी आ चुके हो, सारिया पार्टियां लारे लाउंदियां ने, वादे बहुत करदियां ने, पर किसान जेकर किसानों का मुख्यमंत्री हो नरोल किसान का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ज़्यादातर वोट बैंक किसानों का पंजाब च। जी जी ये जी एक हुण सोचण दा अहम जिहड़ी है लोड़ है, हुण जिहड़ी जिस स्टेज ते गल आ चुकी है, हर एक बच्चा बच्ची पंजाब दा जिहड़ा किसान हर वर्ग समझ चुका है कि जिहड़े सियासी लोग ने इन्होंने लारे लप्पे ला के 70 साल सानू की कुछ नहीं साडे नाल वतीरा कीता। हुण एक करवट आ गया, हालात इहो जे लै चुके ने कि हुण एक किसान आगूआं ने जिवें संघर्ष किया, हर पार्टी नूं मजबूर कर दिता बोलन लई, बंद कर दिता, इहदे विच कोई दो रायां नहीं गी, कोई अकाली कांग्रेसी आम आदमी पार्टी जिहड़ा उन्होंने इस चीज़ के विच दखलदाजी नहीं देन दित्ती। पर अज समां है किसान एकजुट हो के जे चाहुण तो अज अपना एक राज भाग जिहड़ा वक्खरा स्थापित कर सकदे, इहदे विच कोई दो रायां नहीं। किसान आगू जे अगे आउणा चाहे कोई उस नूं लिआउणा चाहीदा, सानू एकजुट इन सियासी पार्टियां नूं किनारा कर जाणा चाहीदा। सवेरे उरे माहौल काफ़ी तनावपूर्ण रहा, हरियाणा पुलिस के नाल सारे किसान ही सी, पर सियासी पार्टियां ने ऐलान किया भी असी दिल्ली नूं जावांगे, पर उरे कोई लीडर नहीं दिखाया किसी भी पार्टी का डांगा खाण समय। बिल्कुल जी, सरासर गलत कोई सियासी पार्टी का बंदा नहीं जी, जे अं जिन्हें आए हाँ ये सारे अं बार्डर बैल्ट दे उस पिंडां दे लोक है जिन्हां दे घर बैठे तार सीधी नज़दीक नज़र आ रही है, पर जे अं ये गिणीए कोई सियासी बंदा कहे पार्टी नाल संबंधित बंदा वह नहीं हो सकता जिहड़ा आगू खवाउंदा अपने आप नूं। ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਮੂਰੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ ਉਰੇ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਬਦਲੇ ਥੋੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਮੌਸਮੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅੱਲ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਊ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੀਡਰ ਵੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਲਕੀ ਸਕਣ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਪਬਲਿਕਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਮ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੀ ਰਗੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਜੂ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੌਣਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ? ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂ ਦੇਖਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਲਾਹਤੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਹਤੀ ਲੋਈ ਕੀ ਕਰੂ ਕੋਈ, ਇਹ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਉਦਣ ਇਹ ਖੱਟਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ? ਉਦਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ, ਅੱਜ
इन्हां दीआं बहु बेटियां खोह के लै जांदे रहे सिखां ने बचाईआं, वह सिख दिल्ली नूं जाण लगे ते डकन लगे ने, कोई नहीं सानूं डक सकदा। जे सानूं मुगल राज ने नहीं डकिया तां इहदी कीदी ताकत आ, इह कीदी मां नूं जम्मिआ आ। बोले सौ निहाल, इह सन किसान जिन्हां दा साफ कहना है कि असीं दिल्ली नूं जाके हटांगे, कोई भी सरकार उहनां दे हौसले नूं ढा नहीं सकती, उन्होंने हौसले बुलंद ने। खेमकर साहब तो आए ने बॉर्डर के एरिए तो 100 किलोमीटर तय करके सफ़र जिहड़ा संभू दे हरियाणा बॉर्डर से पहुँचे ने, दिल्ली वाल नूं कूच कर रहे हैं। काफिला है, काफ़ी काफिला है खेमकर तो किसानों का पहुँचे है, दिल्ली जाके मोदी सरकार नूं घेरेगा। पर दिल्ली के बॉर्डर से खबर सामने आ रही है कि BSF लगा दी गई है दिल्ली केंद्र सरकार के वलों उत्थे किसानों नूं रोकण दे लई। हुण देखना होगा किसान दिल्ली दे विच पहुँचणगे जा नहीं। कैमरामैन गुरप्रीत के नाल कुलदीप सिंह पौड़े, संभू बॉर्डर। तुसीं हैरान तो जरूर हो रहे हो कि एक बंदा पेंट कमीज पा के ट्रैक्टर चला रहा है, खेती कर रहा है। जी हाँ, दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तार नाल बदल रही है, तो फिर साड़ी खेती क्यों ना बदले। खेती नूं लाहेवंद बनाउण लई बहुत जरूरी है आधुनिक जानकारी अते तकनीक नाल जुड़ना। केंद्र वालों कानून आया है, इहदा बहुत वड्डे पद्धर ते विरोध होया। इन्नी मिठी जहर दित्ती है, अज आपां नूं इक दिखा रहे ने। ग्लोबल पंजाब टीवी तुहानू जोड़ेगा बदलदी खेती दुनिया नाल। तुसीं इंजीनियरिंग दी डिग्री करके फिर खेतां च आ गए। खेती प्रोग्रामा दे तजुर्बेकार अमरजीत सिंह बड़ैच दा विशेष शो फार्म हाउस हर ऐतवार 7:30 ET तुहाडे अपने ग्लोबल पंजाब टीवी ते। हुण तुसी देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉइड जां iOS ते फ्री विच, रोकू अते Amazon Fire TV ते जां Apple TV ते। नाल ही देख सकदे हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।